तो देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। इसमें क्या है कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें डायमेंशनली चेक करना है। राइट साइड की डायमेंशन लेफ्ट साइड की डायमेंशन के बराबर है, तो यहाँ बताया नहीं गया कौन क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की बात होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट द सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग। सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग मतलब यूजुअल मतलब जनरली वो मीनिंग जो यूज होता है। तो टी यहाँ पर जो यूज हुआ वो टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे टी टाइम पीरियड में होता है, जनरली हम लोग फिजिक्स में लेते हैं। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यम यहाँ पर जो हुआ है वो मास है, और आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस है। तो ये सिंबल है यूजुअल मीनिंग। तो यहाँ से तुम देखोगे अब एक एक को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इक्वेशन है टी इज इक्वल टू 2 पाई आर की पावर क्यू डिवाइडेड बाई जी एम, ये है। अगर मैं इसको दोनों साइड डायमेंशन चेक करता हूँ तो कैपिटल जी स्मॉल जी तुम पढ़े होगे, जी एम ओवर कैपिटल आर के स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम। तो यहाँ से 2 पाई और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, आर स्क्वायर को मैं ऊपर ही, आर क्यू को मैं ऊपर रहने, कैपिटल जी की वैल्यू अगर मैं जी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर यहाँ से, तो यहाँ से एक जी एक एम भी था एम, और ये एम ये ऊपर चला जाएगा, ये सब कुछ अंडर रूट। तो ये फार्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं ये करने का स्मार्ट तरीका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये एम एम इसको कैंसिल कर दिया, एक आर इसको कैंसिल कर दिया, और ये 2 पाई डायमेंशनल लेस है, तो क्या बचा भाई, तो ये बचा आर ओवर जी अंडर रूट। अब आर का डायमेंशनल फार्मूला एल है, और जी का डायमेंशनल फार्मूला एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सलेशन है, एल टी माइनस टू है अंडर रूट। तो ये एल ने एल को ख़त्म कर दिया, और यह आ जाएगा टी की पावर माइनस टू की पावर 1/2 है। तो ये जब कटेगा तो टी की पावर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टी की पावर +1 बचेगा, मतलब राइट साइड भी टाइम है, और इधर ये जो है ये वाली जो है ये भी टाइम है। तो आर एच एस जो है इज इक्वल टू एल एच एस के बराबर है, और दोनों का डायमेंशनल फार्मूला टी टी के इक्वल है। तो हम लोग लकी हैं कि पहला ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी आप चेक कर लेना, हो सकता है कि सही ना हो, और नहीं भी होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव वन करेक्ट है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।